लामा साहब आप अमेरिका में होते हैं ना, तो ये जो जवेद अहमद गमती साहब हैं ये भी आपके पास होते हैं, और ये बड़े देखें, मतलब है कि सॉफ्ट आदमी हैं। अमेरिका बहुत बड़ा मुल्क है, अमेरिका बहुत बड़ा मुल्क है, और ये गामदी साहब जो है ये लोग हमारे साथ गुफ्तगू नहीं करेंगे। तो सुन, और सोफिस्टिकेटेड आदमी कोई होना ही नहीं ना, आपको मिलना ही नहीं ना। आप उससे बात करें ना, आप उनसे बात करें कि वो आकर इमामत पर या तहरीफ कुरान पर या कोई और मौजू वो चुन लें और मुझसे बात करें ना। आप उनको मना दें, आप तो थक गए भाई। हम आप लोगों के जो उलमा है उनको दावत दे कर देके हम बिल्कुल मायूस है। हमें पता है कि इनमें एक भी शख्स नहीं है जो हमसे बात करने के पर राजी। गांधी साहब, मैं आपको गांधी साहब को बताऊं, गांधी साहब को आपका अगर पता चले ना तो वो आपके साथ बैठने को तैयार है। वो पता कैसे नहीं है किसको, कैसे हो सकता है उसको पता नहीं है? ये लोग सारा दिन बैठ के इंटरनेट पर ब्राउज करते हैं, आपको तो पता है। उसको कैसे किसी ने नहीं बताया होगा इसको? कैसे तो मुलिदीन से भी बात की हुई है, और इसके अलावा मतलब है कि हर मकसद वो तो कोई ऐसा उनको इशू भी नहीं है। और इसके अलावा आपने उनको पैगाम दी थे ना, आपने आपने कहा था उनका कोई बहनोई है, कोई है उससे बात की थी आपने, क्या हुआ उसका? बात नहीं ना की मैंने, मैं फिर बात करूं उनसे। बिल्कुल बात करें, बिल्कुल बात करें। और इसी तरह एक यूके आप खुद कह रहे थे ना, आपने खुद मुझे पैगाम दी कि उनका कोई बहनोई है कुछ है कनाडा में या कहीं है, उनसे आपकी बात हुई है। क्या हुआ उसका? आपने कहा था उसको मैसेज किया था ना, मैं उसको भी कॉल कर दूंगा ना, उससे रब्ते की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये वैद आदमी है जो आपको किसी सूरत गालम गलोच नहीं करेंगे, बिल्कुल कोई बदतमीजी का माहौल नहीं बनाएंगे। इंतहाई सोफिस्टिकेटेड है, और इंजीनियर साहब ने तो इनके बारे में अभी लेटेस्ट ये दावा किया है, उनका पाकिस्तान के मरकजी मीडिया पे इंटरव्यू चला इंजीनियर साहब का, तो उसमें उन्होंने कहा जी इस वक्त उम्मत की सबसे बड़ा आलिम कम अज कम उर्दू जुबान में इंजीनियर जावेद अहमद गम, अपना ये अल्लामा जावेद अहमद गम दी है। और इसके अलावा आपको एक और बंदा बता दूं, मुफ्ती अबू लीस अल मलकी है, ये होता है यूके में, उसका हुलिया जो है ना वो आपसे भी ज्यादा मॉडर्न है, वो तो बल्कि इस तरह लगता है जैसे कोई आप समझे कोई यंगस्टर है यूके का, लेकिन बहुत बड़ा आलिम है, बहुत बड़ा फारिगुल तहसील है। आप उसकी डिग्री सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, और वो बंदा थोड़ा सा शिया की तरफ इंक्लाइंड भी है, बहुत ज्यादा ओवर लिबरल है। वो बंदा मुलिदीन तक से भी इस तरह गुफ्तगू करता है कि आप सोच नहीं सकते कि यार ये इतना लिबरल, इतना ओपन माइंडेड आदमी है। हम तो सबको दावत देते हैं ना, आप हमारे जो ऑपरेटर है ना उनसे बात करें, आपसे पहले भी कहा था ना, आपने कितनी दफा यहाँ कहा फलाने को दावत दो, आपने कहा वो किसका कहा था आपने, मौलवी किस मौलवी का कहा था उसको दावत दे दो, आपने कहा था वो क्या नाम है उसका जलाली, कहता है उसको नाम लेके दावत दे वो कबूल कर देगा, उसको नाम लेके एक दफा से ज्यादा हमने दावत दी वो चुप गया। यार खुदा का खौफ करो, शागिर्द को इबारत नहीं पढ़ना आता, हमारी बेइज्जती है, फिर भी हम कबूल किया, फिर भी वो आ जाए हम बात करेंगे उससे, शागिर्द से भी बात करेंगे, आपसे बात करते हैं उनके शागिर्द से भी बात करेंगे, ठीक है ना। वैसे मैं आपको जो मेरा तजुर्बा खुद वो खुद वो आप खुद याद रखिए, आपका अभी तक वो क्लिप मौजूद है जो इंजीनियर साहब के यूट्यूब चैनल में, आपकी तस्वीर है, आपकी आवाज है, आपने मुझे चैलेंज दिया था ना इंजीनियर साहब के चैनल पे, तो वो आपका मुस्कुरा के जवानी की तस्वीर है आपकी 6-7-8 साल पहले, आप खुद इंजीनियर साहब मुझे चैलेंज दे के आप लोग चुप गए, खामोश हो गए, फरार हो गए, तो आप तो आप इंजीनियर को लेके आओ दूसरों को छोड़ दो, फलाने फलाने का एड्रेस दे रहे हैं, इंजीनियर को लेके आओ, आपके पास मैंने कहा मैं तो हाजिर हूँ, इंजीनियर को लेके आओ ना। एक चीज वैसे मैं आपको बताऊं, जो मेरा तजर्बा है ना सर, आपके जिस तरह का जरियाना अंदाज है ना, और आपके साथ जिस तरह की गुफ्तगू है ना, आपके साथ गुफ्तगू अल्लामा जावेद अहमद गमदी और ये मुफ्ती अबू लीस अल मलकी, ये लोग बहुत ही हम हाजिर हैं भाई, ये जो जितने लोग कहते हैं ना, आप हमारे जो ऑपरेटर भाई है ना जाफरी साहब, उनसे उनको आप कॉन्टेक्ट दे दें, नाम दे दें, वो उनसे गुफ्तगू कर लेंगे, उनको दावत देंगे, अब वो मानते हैं या नहीं मानते, वो तो बेचारे तक वो तो बहुत मेहनत करते हैं कि किसी आलिम को यहाँ लेके आ जाए ना, ये वो बेचारे बंदे जो है ना, मुझे 100% यकीन है ये इंशाल्लाह रेडी हो जाएंगे। ओके, क्योंकि ये इंतहाई ओपन माइंडेड लोग हैं, वो एक अलग बात है कि उम्मत जो बाकी सुनी है वो इनको माने या ना माने अपने में से, वो तो किसी सूरत नहीं मानते, क्योंकि ये बहुत ओवर लिबरल है ना, लेकिन बहरहाल ये आपके साथ गुफ्तगू कर लेंगे। बहुत मेहरबानी आपकी, खुदा आपको इज्जत दे, खुदा सलामती।